हेलो गाइस, तो हम इंसान बेशक 21वीं सदी में जी रहे हैं और आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे आज की इस डिजिटल लाइफ को जानवर भी हम इंसानों की तरह समझते हैं? तो इसी बात का जवाब आज हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए पता करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम एक ऐसी चीज जिससे कि आप सभी परिचित होंगे और जिसे हम और आप सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है ये साधारण सा मिरर, जिसे आप शीशा बोलते हो, जिसमें कि आप अपने चेहरे को सुबह शाम देखते हो। इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है कि इसमें जो चेहरा दिखाई देता है वो हमारा ही चेहरा होता है, लेकिन क्या इसी छोटी सी बात को जानवर भी समझते हैं? तो सिंपली आज हम एक मिरर यानी कि शीशे को बंदर को दिखाने वाले हैं और उनका क्या रिएक्शन होगा ये रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि बंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव जानवरों में से एक होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा फनी रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। We are donate our life for science, so please you don't try at home। हमारा जुगाड़ी सेटअप बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हो कि हमने एक मिरर के सामने कुछ रोटी के टुकड़े और कुछ खाने की चीजों को डाला है, जिसके लालच में वो बंदर यहाँ पर आएंगे और उनका क्या रिएक्शन होगा यही रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अब इनका रिएक्शन क्या होने वाला है। बहुत इंतजार कराया है हमारा, लेकिन ये तो भाई मिरर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, खाने पर टूट पड़े हैं और ये खाना लेकर चंपत हो गए। ये तो भाई गलत बात हुई, मिरर को देखा भी नहीं सही से। तो भाई फिर से खाने की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाते हुए आ चुके हैं भाई। चलिए अब देखते हैं, खाने पर टूट पड़े हैं लेकिन शीशे को देखा भी नहीं। चलिए खाना पीना खा लीजिए, निकल रही है भाई अभी, आप फिर से आएंगे। चलिए दूसरे भी मेहमान आ चुके हैं और ये खाने पर टूट पड़े, शीशे की तरफ ध्यान भी नहीं। ये भाई यार गलत बात है, खाना पीना खाओ शीशे को भी देखो भी नहीं। तो आ गए भाई, खाना खाइए, अब ये कैसे निकलेगा, अब तो चेहरा देखना ही पड़ेगा। चल देखते हैं तो अब रिएक्शन इनका क्या रहता है। हैरान हो गया अपने चेहरे को देखकर भाई, क्या मजा आ रहा है। खुद के चेहरे को देखकर परेशान है भाई, लगता है इसे समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर है कौन। ये भैया शीशे को लेकर चंपत हो गए, क्या बात है।